ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग भेजना है संगत जी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिख कर, रिकॉर्ड कर कर या टाइप कर कर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं संगत जी। जिस भी माध्यम से आप भेजेंगे, सारी साथ संगत जी के साथ वैसे ही शेयर किया जाएगा संगत जी। संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप मेरे सत्संग, आप गुरु जी का सत्संग सुन सकें और उनकी ब्लेसिंग आपको भी मिल सके संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग एक आंटी जी ने भेजे हैं, चलिए उनकी जुबानी उनके सत्संग सुनते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, मैं मेरा ये सत्संग चालू करती हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि उस दिन संकष्टि थी और मैं एज अ योगा टीचर, वन आवर योगा इंस्ट्रक्टर बोल के, वन आवर मैं शाम को जिम में जाती हूँ वहाँ पे योगा सिखाने के लिए। तो मैं वहाँ पर गई, मेरे कोई क्लाइंट्स नहीं आए हुए थे, इसलिए मैं काउंटर पे बैठी तो वहाँ पे एक जिम में आदमी आता है, मतलब वो हमसे सबसे अच्छा बात करता है। तो आके बोलने लगा कि गणेश मंदिर में खाना खाने के लिए जाओ, आज वहाँ पे महाप्रसाद है बोल के। और हम लोग और गया वो वहाँ से, फिर से आके बैठा और बोलने लगा अकेली मत जाओ, माँ को भी साथ लेके जाओ। तो उसने बोला है ना, इसलिए मेरे को भी स्ट्राइक हुआ कि जाना चाहिए, उसने बोला है ना। तो और मैं घर पे आ गई और मैंने माँ को बोला कि हम जाएंगे। एक्चुअली वो कभी, मैंने कभी उसको बोला कि बाहर जाएंगे तो कभी नहीं आती है, मना करती है। तो इस बार क्या हुआ पता नहीं, वो झट से बोलने लगी हाँ जाएंगे बोल के। तो हम लोग रेडी हो गए और माँ ने गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला, गुरुजी चलो चलते हैं, हम तीनों जाके आते हैं बोल के। और मंदिर में जाके आए, हम मंदिर में गए तो बहुत तेज़ बारिश है वहाँ, हम लोग वैसे ही गए और हम लोगों ने दर्शन भी किया, दर्शन भी अच्छा हुआ। और वहाँ पे महाप्रसाद था तो हम महाप्रसाद के लिए निकले। मैंने क्या किया, हम दोनों ने प्लेट्स लिया खाने का और हम लोग बैठने के लिए गए। तो वहाँ पे तीन चेयर था, मेरी माँ एक चेयर पे बैठी, सेकंड चेयर पे थोड़ा ऐसा खाना गिरा हुआ था, थोड़ा राइस ऐसा गिरा हुआ था, तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं दूसरे इस पे बैठी। और हमको ऐसा स्ट्राइक हुआ कि हमने गुरुजी को लाया है और हम गुरुजी हमारे बीच में हैं, ऐसे ही हमको फील हो रहा था। माय गॉड, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमको ऐसे प्रेजेंस दिखाते हैं। तो मैंने माँ को बोला देखो देखो गुरुजी बैठे हैं बोला, और वो भी बोलने लगी हाँ हाँ ऐसे। तो हमने खाना भी खाया, महाप्रसाद लिया, खाना खाया और हम आ रहे थे। और रात को तो बटरफ्लाई इम्पॉसिबल है दिखने के लिए, हम आ रहे थे तो वाइट कलर बटरफ्लाई ऐसे ऐसे उड़ने लगा।
और मेरे माँ को दिखा, उनको प्रेजेंस दिखाया गुरुजी ने कि मैं ही था तुम दोनों के बीच में, मैं ही हूँ तुम्हारे साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहाँ से हम लोग आ गए और बहुत अच्छा लगा। मम्मी को फिर से और एक ऐसा मतलब इंट्यूशन आया, एक वीडियो देखा। वीडियो में सब कुछ ऐसे गणेश जी का ही था कुछ सत्संग में, और उनको बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता नहीं गुरु जी ने हमको वहाँ पे जाके किस चीज़ के लिए ब्लेस किया है, किस बहुत चीज़ों के लिए गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, बहुत मुसीबतों से निकालते हैं, और हम प्राउड फील करते हैं कि गुरु जी हमको मिले हैं और गुरु जी ने हमको अपनाया है। हम तो कुछ भी नहीं है गुरु जी के आगे, सच में कुछ भी नहीं है। एक हम क्या बोल सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है, फिर भी गुरु जी ने हमको अपनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये सत्संग, मैं यहाँ पे विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग सुनने के लिए शुक्रिया संगत जी, थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, मेरा सत्संग हर बार शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं मेरा ये सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ऐसा है कि मुझे ज़रा बॉडी में स्वेलिंग हो रही थी, और मैंने तभी गुरुजी से बोला कि मेरे को स्वेलिंग हो रही है गुरुजी, मेरे एक कष्ट है जो मुझे बहुत बार बार ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो मेरा ये कष्ट निकालो, वो चीज़ को ठीक कर दो, ऐसा बोला। और मैं शाम को मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं जाके क्लास के लिए निकले, और वहाँ पे ना मैं बैठी थी तो एक थोड़ी देर बाद एक बटरफ्लाई आया, और मैंने लाइफ में कभी ऐसा बटरफ्लाई नहीं देखा जो इतना फास्ट राउंड्स ले रहा था, बहुत फास्ट, बहुत 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 फास्ट राउंड ले रहा था वो। और मैं देखती गई क्या कर रहा है बटरफ्लाई बोल के, जय गुरु जी बोला मैंने, मंत्र जाप भी किया तभी। और वो जो बटरफ्लाई है ना, वो मेरे ऊपर आ गई, मेरे सिर के ऊपर वो राउंड्स लेने लगे, फास्ट राउंड्स लेने लगे, आगे राउंड्स लेने लगे, और मेरे को टच करके चली गई। मुझे पता नहीं गुरुजी ने कौन से ये कष्ट काटे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। वैसे एक बार मैं बाहर घूमने गई थी, और गुरुजी से बोला कि मैं जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ आना। तो मैं ऐसे बैठी थी वहाँ पे जहाँ पे गए थे, तो एक बटरफ्लाई दिखा और डिफरेंट ही कलर था, मैंने जय गुरुजी बोला। उसके बाद मेरे को दो पिजन्स आके वहाँ पे बैठे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि
ऐसा ट्रस्ट है कि आगे सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर गुरुजी के हाथ में हमारा डोर है तो सब अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी को अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल के लिए शुक्राना, हमको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए शुक्राना, हमको हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना, हमको बहुत अच्छे अच्छे दर्शन देने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। कल सोमवार था और मैं मंदिर में गई थी, तो मेरा सत्संग ऐसा है कि मंदिर में अभिषेक करने के बाद, जल अभिषेक करने के बाद, वहाँ पे जो पंडित जी है उन्होंने ऐसे सोच रहे थे कि उन्होंने मेरे को अभिषेक करने होने के बाद प्रसाद क्यों नहीं दिया। तो मैं जय गुरुजी, मैं जब भी करते गई और बाहर आने के बाद पंडित जी ने मुझे एक नारियल दिया था, पर जो प्रसाद देते वो नहीं दिए थे। तो मैं सोचने लगी कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई, मतलब। तो मैं बाहर आ गई, बाहर आने के बाद मेरे को जहाँ पे वो लोग बैठे हैं, फूल लेके बैठे हैं, नहीं तो प्रसाद लेके बैठे, प्रसाद भी लेके बाहर भी बैठे हैं, पर अलग एक अंदर अलग मिलता है। तो मैं बाहर आ गई और मैं ऐसे ही खड़ी थी। उन्होंने एक पेपर लिया, उसमें बहुत सारा प्रसाद डाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे हर बात बात मन की बात समझते हैं। और उसमें उन्होंने प्रसाद भी डाला और मेरे को अलग से काजू भी ला के दिया और अलग से बनानास भी ला के दिए। मुझे बहुत प्रसाद मिला, बहुत कृपा हुई कल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हर बात के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम कहाँ पे भी भटकते हुए हैं तो वो हमको रास्ते पे लाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा बड़ा सत्संग है, वो जल्दी मेरा अरदास है उस सत्संग के लिए। तो अगर वो जल्दी पूरी हुई तो मैं और एक सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा सत्संग था और शुक्राना गुरुजी मेरा मुझे हमेशा प्यार दिखाने के लिए, हम हमेशा हमको दर्शन देने के लिए, हमारे पास आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे मैं विराम लेती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं एक मेरा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को एक बीमारी हुई थी, मतलब मुंह में जैसा छाले जैसे होते हैं वैसा हुआ था, और पूरा मुंह इरिटेशन और इचिंग हो रहा था। इतना ही रीज़न हुआ कि मैंने बनाना खाया और उससे मेरे को इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ पता नहीं, और पूरा गला मेरा दुख रहा, पेन हो रहा था, और मुझे पता नहीं क्या था वो। उससे पहले मेरे को ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी लाइलाज बीमारी है, तुझे लाइलाज बीमारी है, वो तेरे को देखना पड़ेगा, ऐसे बोल के। और उसके बाद मैं उस दिन मैं ऐसे एक दो दिन गए, बहुत पेन में थी, तो डॉक्टर के पास भी गई बट डॉक्टर नहीं मिली मुझे। उसके बाद मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक सिरप है बोल के, तो मैंने सिरप लेना चालू किया, और तभी भी वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके उस दिन मेरे को एक रात को सपना आया, एक्चुअली गुरुजी मुझे सपने में वाइट शर्ट में दिखे, और मतलब उनको हार पहनाया हुआ था, और बहुत लोग साइड में थे और उनको मंदिर में लेके जा रहे थे, और मैं और मेरी एक फ्रेंड जैसे एक लड़की थी, और मेरी माँ और कोई उसकी फ्रेंड थी, तो हम चारों दौड़ रहे थे आगे लंगर प्रसाद के लिए, और गुरुजी भी मंदिर में जा रहे थे, मतलब उनको लोग भी लेके जा रहे थे ऐसे, और जैसे रश रहता है उस रश में लेके जा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन सुबह उठी तो मेरा मुझे मतलब इरिटेशन भी कम हुआ, और मुझे पेन भी नहीं हो रहा था, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बीमारी जो कुछ थी वो ठीक करी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरा यही इतना ही सत्संग था। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे सत्संग थे आंटी जी आपके। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आगे शेयर करिए, ताकि और भी सत्संग गुरु जी के साथ जुड़ सके और उनकी महिमा को जान सके संगत जी, और उनका भी कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।